प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है, बड़ी सौगात आज दी है उन्होंने और साथ ही संबोधित कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। मानवीय के हकों की रक्षा, सामान्य मानवीय की सुरक्षा की चिंता, समाज जीवन के अंदर सुख चैन का वातावरण बना रहे उसकी चिंता, सामान्य समाज जीवन के अंदर एकता और सद्भावना बनी रहे, हर कोई अपना जीवन बड़े उमंग और उत्साह का साथ यापन कर सके, समाज जीवन के छोटे मोटे उमंग उत्सव के प्रसंग बड़े आनंद और गौरव के साथ होते चले, इस भूमिका के साथ समाज जीवन में हम अपनी भूमिका कैसे अदा कर सके। और इसलिए अब सिर्फ कद काठी के आधार पर सुरक्षा बलें देश की सेवा कर पाएंगे वो एक सीमित तक सही है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है जहां पर हमें ट्रेन मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। आज का जो जमाना है, परिवार छोटे होते गए हैं। पहले तो क्या था, पुलिस वाला भी एक्स्ट्रा ड्यूटी करके थक करके घर जाता था तो एक बड़ा संयुक्त परिवार होता था, तो माँ संभाल लेती थी, पिताजी संभाल लेते थे, दादा दादी कभी घर में है तो संभाल लेते थे, कोई भतीजा संभाल लेता था, बड़े भाई साहब घर में है तो वो संभाल लेते, भाभी जी होती तो वो संभाल लेती थी, वो मन से हल्का हो जाता था और दूसरे दिन तैयार होकर चला जाता था। आज माइक्रो फैमिली हो रहे हैं, जवान 6 घंटे नौकरी, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 16 घंटे, और बड़ी विपरीत परिस्थिति में नौकरी करता है, फिर घर जाएगा, घर में तो कोई है ही नहीं, सिर्फ खाना खाओ, कोई पूछने वाला नहीं, माँ बाप नहीं है, कोई चिंता करने वाला एक अलग व्यक्तित्व नहीं है। ऐसे समय स्ट्रेस की अनुभूति हमारे सुरक्षा बल के क्षेत्रों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है। परिवार जीवन की कठिनाइयां, काम करते समय करनी पड़ती कठिनाइयां, उसके मन पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है। ऐसे समय में स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी की ट्रेनिंग आज सुरक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक हो गई है और उसके लिए ट्रेनर्स की आवश्यकता हो गई है। ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटियां जो हैं वे इस प्रकार के ट्रेनर भी तैयार कर सकते हैं जो शायद यूनिफॉर्म के काम में नहीं होंगे लेकिन यूनिफॉर्म वालों को मन से मस्त रखने का काम यहां से ट्रेन होकर के लोग कर सकते हैं। आज सेना में भी बहुत बड़ी मात्रा में योगा टीचरों की जरूरत पड़ रही है। आज पुलिस बेड़े में भी बहुत बड़ी मात्रा में योगा और रिलैक्सेशन टेक्निक वाले टीचर्स की आवश्यकता लगी है। ये दायरा भी रक्षा सेक्टर का अंदर आएगा। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी चुनौती है और मैंने देखा है कि अगर एक्सपर्टाइज नहीं है तो हम समय पर जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, देर हो जाती है। जिस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी के इश्यू बने हैं, जिस प्रकार से क्राइम में टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार से क्राइम डिटेक्शन में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मददगार भी हो रही है। पहले के समय में कहीं चोरी हो जाए तो चोर को पकड़ने में लंबा समय लग जाता था, लेकिन आज कहीं सीसीटीवी कैमरा होगा, सीसीटीवी कैमरा के